हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशनल बग्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 20, विच इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन। एक्सरसाइज 28, क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हूज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। सपोज दिस इज अ ट्राइंगल और इसकी साइड हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है विच इज हाफ बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला कब यूज होता है? जब हमारे पास हाइट गिवन होती है, दैट मींस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए या फिर ऐसे करके परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रखा हो और उसे हाइट बोला हुआ हो। बट सिंस इस क्वेश्चन में हमारे पास हाइट नहीं है, तीन अलग अलग साइड्स हैं, दैट मींस ये एक स्केलिंग ट्राइंगल है। इसके लिए फॉर्मूला एरिया का है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हेरोन्स फॉर्मूला क्या होता है पहले वो समझते हैं। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, वेयर एस जो है वो है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का हाफ। ए बी सी ये साइड ऑफ ट्राइंगल है जो हमें गिवन है। क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें दिख रहा है, यहाँ ए की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 10 सेंटीमीटर, साइज की वैल्यू लिख रही हूँ। बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, बाद में फॉर्मूले में यूज करेंगे, एंड सी की वैल्यू 26 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर क्या होता है किसी भी फिगर का? सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ तीन साइड्स हैं, दैट मीन्स तीनों साइड्स का सम कितना आ जाएगा? 26 प्लस 24 प्लस 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ये हमारे पास आ रहा है 60 सेंटीमीटर। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का हाफ, दैट मीन्स 60 का हाफ। ये हमारे पास आ गया 30 सेंटीमीटर। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं फॉर्मूला में, सो एरिया विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट एस, 30 है, एस माइनस ए, दैट मीन्स 30 माइनस 10, एस माइनस बी, 30 माइनस 24 एंड एस माइनस सी, 30 माइनस 26। फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, अंडर रूट के साथ ही करनी है। 30 माइनस 10 इज 20, 30 माइनस 24 इज 6 एंड 30 माइनस 26 इज 4। नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं अंडर रूट को, वैसे ही सॉल्व करेंगे। इसे ब्रेक करते हैं ताकि 2-2 का पेयर बना पाए। तो मुझे दिख रहा है ये 3 × 10 है, ये 2 × 10 है, और भी ब्रेक कर सकते थे, 10 को 2 × 5 कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है 10 का पेयर बन जाएगा। इसे ब्रेक करती हूँ 2 × 3, और 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर लिख लिया। अब पेयरिंग करके मैं लिख रही हूँ 3 and 3, ये और ये 3, 3 स्क्वायर बना रहे हैं, मल्टीप्लाई 10 and 10, 10 स्क्वायर, 2 and 2, 2 स्क्वायर, और एक ही 2 स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। अब स्क्वायर्स और अंडर रूट कैंसिल होगा एक साथ, सो नाउ वी हैव 3 × 10 × 2 × 2, दैट इज 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 10 = 120। फाइंड कर रहे हैं एरिया। एरिया की यूनिट होती है, जो भी यूनिट यूज हो रही है क्वेश्चन में उसका स्क्वायर, सो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में अगेन एरिया फाइंड करना है। साइड है 18 मिलीमीटर, 24 मिलीमीटर एंड 30 मिलीमीटर। सबसे पहले मैं ए बी एंड सी की वैल्यूज लिख रही हूं ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकें। बी इज 24 मिलीमीटर एंड सी इज 30 मिलीमीटर। तो फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है सेमी पेरीमीटर, विच इज हाफ ऑफ पेरीमीटर। इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ। ये हम फाइंड करते हैं सबसे पहले। 18 प्लस 24 प्लस 30, इनका जो भी आंसर आएगा उसका हाफ। नो 30 प्लस 20 50 प्लस 10 60, 60 एंड 12 इज 72, सो वी हैव पेरीमीटर इज 72। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू हमने निकाल ली है 36। एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, विच इज 36 हेयर, मल्टीप्लाइड बाय 36 माइनस ए, 36 माइनस बी एंड 36 माइनस सी। क्वेश्चन इजी है, बस एक बार फॉर्मूला समझना है। फर्दर सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 36 एज इट इज, 36 माइनस 18 इज 18,
36 minus 24 is 12 and 36 minus 30 is 6. पेयरिंग करते हैं, ये तो पहले ही दिख रहा है 36, 6 का स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट लिख लेती हूँ, एक 6 यहाँ पे है, तो ब्रेक करेंगे 2 into 6 कर लेंगे ताकि 6 की पेयरिंग हो जाए, मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, इसे ब्रेक किया है 2 into 6 में, अब 18 हमारे पास है, 18 होता है 6 into 3, ठीक है, फिर 3 पेयर हम नहीं कर पाएंगे, तो 2 into 3 into 3 मैंने ब्रेक किया है, 2 into 3 6, 6 into 3 18, ताकि पेयरिंग हो जाए सबकी, सो नाउ वी हैव 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर. अब अंडर रूट हटा रहे हैं, सो 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, तो 6 6 एंड 6 हो रहा है, विच इज 216. यूनिट इज मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है. अब स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 3. पार्ट 3 में हमारे पास साइज हैं 21 मीटर, 28 मीटर एंड 35 मीटर. दैट मीन्स ए इज 21 मीटर, बी इज 28 मीटर एंड सी इज 35 मीटर. सबसे पहले फॉर्मूले के लिए हमें सेमी पैरामीटर चाहिए, वो फाइंड करते हैं. 21 प्लस 28 प्लस 35 जो भी आता है उसका हाफ. ऐड करते हैं 30, 40, 50, 60, 70. 79 प्लस 5 इज 84. सो ये हमारे पास आ रहा है 84 बाय 2. दैट विल बी 42. यूनिट जो भी यूज कर रहे हैं यहाँ मीटर है. अब फाइंड कर रहे हैं एरिया. एरिया इज इक्वल्स टू अंडर रूट में होता है सेमी पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय सेमी पैरामीटर माइनस फर्स्ट साइड. डायरेक्ट लिख रही हूँ 42 माइनस 21, देन 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस 35. सारी साइड एक एक बार माइनस करनी होती है. सो ये आएगा 42, विद इन रूट ही करना है हमेशा. 42 माइनस 21 इज 21, 42 माइनस 28, 2 एंड ये हो जाएगा 4, दिस विल बी 14. मल्टीप्लाइड बाय 42 माइनस 35 दैट इज 7. अब आगे सॉल्व करते हैं. ब्रेक कर रही हूं मैं से 42 को, इसके साथ पेयरिंग करने के लिए 2 इंटू 21 लिख लेती हूँ, ये 21 का पेयर हो जाएगा एंड इसे 2 इंटू 7 कर देती हूँ ताकि 7 एंड 7 का पेयर हो जाए. अदरवाइज सबको मल्टीप्लाई करके फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ बन रहा है 2 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 7 का स्क्वायर. स्क्वायर एंड रूट कैंसिल करें तो 2 इंटू 21 इंटू 7. सो 2 इंटू 21 इज 42, 42 इंटू 7, 2 इंटू 7 14, 2 4 8 एंड 1 9, 294 मीटर स्क्वायर. ये हमारा फाइनल आंसर है. अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर. If height of the triangle corresponding to 6 cm side is 4 cm, तो हमें find करना है area of the triangle. Question में हमें एक triangle given है जिसकी दो sides mark करी हुई हैं as 6 cm and 8 cm. इसे 6 cm मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 8 cm. Further हमें question में height given है corresponding to 6 cm side. इस side के हिसाब से हमें height given है, that means इस side पे 90 degree का angle को height form करेगी ऐसे, ठीक है. यहाँ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसकी वैल्यू है 4 सेंटीमीटर. तो हमें क्या मिल गया, हाइट 4 सेंटीमीटर है. हाइट जिस साइड के ऊपर खड़ी है उसे बेस मान लेते हैं जिसके ऊपर बनाया गया है, तो बेस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है. हमें बोला है फाइंड द एरिया. अब जैसे कि मैंने बताया था इसमें हमें पता चल रहा है बेस और हाइट गिवन है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस इंटू हाइट. इजी है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 6 इंटू 4, 2 वन टाइम, 2 टू टाइम्स, 6 इंटू 2 इज 12, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, एरिया. ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया है, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है. अब सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर. इसके हिसाब से तो हाइट गिवन थी, अब एक और हाइट फाइंड करनी है जो इस वाली साइड के हिसाब से, ऐसे अगर करके मैं बनाऊ लाइन, तो अब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है. हाइट इसकी फाइंड करनी है, दैट मीन्स ये तो क्वेश्चन मार्क हो गया, और बेस कौन सा है जिसके ऊपर हाइट ड्रॉ की गई है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है. तो इस बार हमारे पास बेस है 8 सेंटीमीटर. अगेन हाइट एंड बेस वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो फॉर्मूला यही यूज करते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट. तीन है हमारे पास में एरिया, बेस एंड हाइट, इन तीनों में से दो की वैल्यू मैक्सिमम टाइम गिवन होती है. यहां देखते हैं हाफ बेस हमारे पास 8 है,
हाइट हमें फाइंड करनी है, एरिया सेम ट्राइंगल है, पहले भी यही ट्राइंगल था, इसका एरिया हमने 12 निकाला है, तो अभी भी इस ट्राइंगल का एरिया 12 ही रहेगा, एरिया चेंज नहीं होगा ट्राइंगल का। सो नाउ वी हैव, इसे कैंसिल करते हैं, 12 इक्वल्स टू 4h, सो h विल बी इक्वल्स टू 12 अपॉन 4, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 8 सेंटीमीटर साइड इज 3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स अलग अलग हैं, तो मैं ए की वैल्यू लिख सकती हूँ 16 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर एंड सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तीनों साइड्स अलग हैं, एरिया फाइंड करना है, दैट मीन्स सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज होगा, हेरोन फॉर्मूला। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पेरीमीटर, दैट इज 16 प्लस 12 प्लस 20, जो भी आंसर आता है उसका हाफ, 20, 30, 40, 48 का हाफ, विच इज 24। तो हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया है 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया इस फॉर्मूले से, एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सब आपस में मल्टीप्लीकेशन में है। वैल्यूज पुट करते हैं इस क्वेश्चन की, सो हियर वी हैव एस इक्वल्स 24, देन 24 माइनस 16, 24 माइनस 12, 24 माइनस 20। सॉल्व करते हैं फर्दर, 24 एज इट इज, 24 माइनस 16 इज 8, 24 माइनस 12 इज 12 एंड 24 माइनस 20 इज 4। अब इसे ब्रेक करते हैं, 4 ऑलरेडी स्क्वायर होता है 2 का, 12 एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि 12 अगर इसे ब्रेक करेंगे तो इससे 12 आ जाएगा, 2 इंटू 12 ये पेयर हो जाएगा। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया है 8 को, सो इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है, विद इन अंडर रूट ही कर रहे हैं सारा काम, 12 का स्क्वायर, ये 2 यूज कर लिया हमने, ये 12 यूज कर लिए हैं। अब हमारे पास एक 2 का पेयर ये है और एक 2 का पेयर ये है, सॉल्व करते हैं फर्दर, 2 इंटू 12 इंटू 2 इंटू 2, इट इज 8 इंटू 12, दैट इज 96 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है हमें फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 20 सेंटीमीटर वाली। सपोज अगर ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं ऐसे करके, यहाँ पर ट्राइंगल है 12 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करनी है हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड, दैट मीन्स हमें ये फाइंड करना है एच। नाउ एच के लिए एरिया यूज होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, एरिया की वैल्यू जो पहले हमने फाइंड करी है वो यूज कर सकते हैं, 96 इक्वल्स टू हाफ, बेस बोला है कॉरेस्पॉन्डिंग टू लार्जेस्ट साइड है तो बेस हो गया 20, एच हमें फाइंड करना है। नाउ 2 एंड 20 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 टाइम 10 टाइम्स, सो 96 इज इक्वल्स टू 10 एच, एच इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 10, कैंसिल नहीं करना होता है, डायरेक्ट डेसिमल लगा सकते हैं, 9.6 यूनिट सेंटीमीटर। ये हमारी वैल्यू है हाइट की कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। अब कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू द स्मॉलेस्ट साइड, दैट मीन्स अब जो हमें हाइट फाइंड करनी है वो इस साइड के लिए नहीं करनी है, हमें स्मॉलेस्ट साइड के लिए फाइंड करनी है, दैट मीन्स 90 डिग्री का एंगल अब 12 पे बन रहा होगा, तो इस बार बेस हमारा क्या वर्क करेगा, 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें फाइंड करनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू 12 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम यूज होगा, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, एरिया हमने 96 निकाला था, इज इक्वल्स टू हाफ बेस इज 12 इंटू हाइट, 2 वन टाइम 2 6 टाइम्स, सो 96 इज इक्वल्स टू 6 एच, एच इज इक्वल्स टू 96 अपॉन 6, सॉल्व करते हैं 6 वन टाइम एंड 6 6 टाइम्स, 16 सेंटीमीटर इस हाइट की वैल्यू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6.4 मीटर एंड 4.8 मीटर, इफ द हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू
4.8 मीटर साइड इज 6 मीटर, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं एक जिसकी दो साइड्स हैं 4.8 एंड 6.4। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, दो साइड्स हमने मार्क करनी है। बेस बनाते हैं पहले, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग टू 4.8 दे रखा है तो इसे 4.8 मान लेते हैं, और ये हमारे पास हो गया 6.4, सब मीटर में है। फर्दर बोला है अगर इस पे एक परपेंडिकुलर बनाए तो उसकी हाइट कितनी होगी, 6 मीटर। ये हमें गिवन है, हाइट इसकी है 6 मीटर। तो सबसे पहले हमें बोला है फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नाउ एरिया इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें हाइट गिवन है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस इज 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 6। कैंसिल करते हैं 2, 3 टाइम्स 6। फर्दर सॉल्व करें 3 × 4.8 तो 14.4 मीटर। ये तो हमारी पहली वैल्यू आ गई एरिया की, यूनिट मीटर स्क्वायर यूज करेंगे। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है हाइट ऑफ द ट्राइंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू 6.4 मीटर साइड। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे 90 डिग्री का ऐसे, तो इसकी हाइट कितनी होगी, जब बेस कितना है 6.4। ठीक है, इसके लिए करते हैं अगेन, इस बार बेस हमारे पास है 6.4, हाइट हमें फाइंड करनी है, यूनिट मीटर है। नाउ अगेन एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। जब भी बेस और हाइट गिवन हो तो यही फॉर्मूला यूज करना है, हाफ 6.4 इंटू एच, और ए की वैल्यू हमने निकाली है 14.4। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 3.2 h इक्वल्स 14.4। सो h इज इक्वल्स टू 14.4 अपॉन 3.2। सेम प्लेस पे है, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करके देखते हैं किस नंबर से इजी होता है, ये 8 4 टाइम्स, 8 1 टाइम एंड 8 टाइम्स, 64 हो जाएगा। फर्दर 2 टाइम्स, 2 9 टाइम्स। तो हाइट हमारे पास आ रही है 9/2, दैट मीन्स 4.5 और यूनिट मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5, दैट मीन्स बेस का और हाइट का रेशियो गिवन है, जो कि है 4:5। फर्दर इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 40 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। एरिया गिवन है हमें, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 40 मीटर स्क्वायर। जब भी क्वेश्चंस में रेशियो गिवन हो तो सबसे पहले रेशियो हटाने के लिए हमें एक्स यूज करके या कोई भी वेरिएबल यूज करके वैल्यूज बनानी पड़ती हैं। मैं यहां लिख रही हूं, लेट दी बेस बी, बेस की वैल्यू मैं यूज कर रही हूं 4x, एंड हाइट की वैल्यू मैं यूज कर रही हूं, एक ही रेशियो में है तो x ही यूज होगा, 5x। नाउ बेस है, हाइट है, एरिया है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। वैल्यूज पुट करते हैं, 40 इज इक्वल्स टू हाफ 4x मल्टीप्लाइड बाय 5x। 40 इज इक्वल्स टू 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स, यह हो जाएगा 1 × 2 × 5 = 10 एंड x × x = x². एक्सपोनेंट्स वाले हैं, मल्टीप्लाई में पावर्स एड हो जाती हैं, ठीक है, ये यूज किया है। नाउ x² इज इक्वल्स टू 40 upon 10, जीरोस कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू √4। √4 मीन्स ±2 आएगा, बट सिंस हाइट और बेस नेगेटिव नहीं हो सकते हैं तो हम यूज कर रहे हैं x इज इक्वल्स टू +2। सो वैल्यूज लिखते हैं, बेस की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4x, दैट इज 4 × 2 = 8 एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास है 5x, 5 × 2 = 10। यूनिट क्या लगाएंगे, एरिया की यूनिट मीटर में है तो मीटर यूज कर लेते हैं, तो बेस हो गया 8 मीटर, हाइट हो गई 10 मीटर। नेक्स्ट इज द बेस एंड द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:3। अगेन क्या बोला है, बेस और हाइट का रेशियो है
5:3 एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, एरिया की वैल्यू दी है 67.5 मीटर स्क्वायर. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइट एंड बेस. अगेन सेम क्वेश्चन है. सबसे पहले ज़ूम करते हैं. लेट बेस बी 5x एंड हाइट बी 3x. ध्यान रखना है जो पहले बोला गया है वो पहले लिखना है. अगर बेस एंड हाइट बोला है तो 5:3 ऐसे, हाइट एंड बेस बोला होगा तो उसका रेशियो अलग हो जाएगा. नाउ एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट. सो 67.5 इज इक्वल्स टू हाफ 5x इनटू 3x. कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी. सो 67.5 इज इक्वल्स टू 5 × 3 = 15 x² / 2. ठीक है, यहां तक क्लियर है. 1 × 5 × 3 = 15 x × x² सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 67.5 × 2 ट्रांसपोज किया है अपॉन 15. कैंसिल करते हैं, ये डेसिमल अगर यहां से रिमूव करूं तो अपॉन 10 आ जाएगा. 2 1 टाइम 2 5 टाइम्स. 5 से कैंसिल हो रहा है. 5 1 टाइम 5 1 टाइम 5 3 टाइम एंड 5 5 टाइम्स. नाउ 15 1 35 9 टाइम्स होता है तो 1 एंड 9. सो x² = 9. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9 दैट इज 3. फाइंड करनी थी हमें बेस की और हाइट की वैल्यू. बेस 5x, हाइट 3x. 5x मीन्स 5 × x दैट इज 3, 15 unit meter, एंड 3 × 3 = 9 unit meter. ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 144√3 cm². फाइंड इट्स पेरिमीटर. हमें क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है विच इज 144√3 cm². किसका एरिया है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का. ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल में बता देती हूँ क्या होता है. एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. इसकी वैल्यू होती है √3/4 × sin² ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है √3/4 × sin² और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है ये. दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है. √3/4 × sin² इज इक्वल्स टू 144√3. हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. नाउ साइड स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 144√3. डिवीजन में है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लीकेशन में है, डिवीजन में. ठीक है, √3 से √3 कैंसिल. नाउ साइड इज इक्वल्स टू √144 × 4. 144 12 का स्क्वायर होता है, इसे लिख सकते हैं 12² × 2². सो 12 × 2 विच इज इक्वल्स टू 24 यूनिट यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर. तो साइड हमारे पास आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की 24 सेंटीमीटर. हमें बोला है फाइंड पेरीमीटर. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होती है. सिंस ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड सेम होगी. ए है तो सारी ए, तो a + a + a विल बी 3a. तो इसका फॉर्मूला मैं लिख रही हूँ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 3a विच इज 3 × 24. कितना आ जाएगा, 72 सेंटीमीटर. ये हमारा आंसर है. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स पेरीमीटर. फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 decimal places. तो हमें गिवन है एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू इट्स पेरीमीटर. ठीक है, दैट मीन्स दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यूज इक्वल हैं. जो भी आंसर आ रहे हैं वो दोनों की इक्वल है. वो कब इक्वल होंगे, जब इनके फॉर्मूलाज इक्वल कर दें हम,
तो इसका फॉर्मूला होता है रूट 3/4 साइड स्क्वायर, साइड को मैं ए मान रही हूं, ए स्क्वायर, और पेरीमीटर अभी हमने फाइंड किया था 3a. 3a क्यों है? क्योंकि सारी साइड्स सेम होती हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल आर द ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल. सो अब इसे सॉल्व करते हैं, एक साइड a कर लेते हैं, एक साइड 3 कर लेते हैं. नाउ ए स्क्वायर, ये a अगर यहां से हटाऊं तो यहां डिविजन में आएगा, इज इक्वल्स टू 3 × 4 अपॉन √3, ट्रांसपोज हुआ है. सो इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3 को हम ब्रेक करें तो लिख सकते हैं √3 × √3 × 4/√3. ठीक है, ऐसे हमने पढ़ा है एक्सपोनेंट्स में होता है √x × √x = x. अंडर रूट की वैल्यू हाफ होती है, तो दो बार हाफ मिलेंगे तो ऐड होके 1 बनेगी पावर. ठीक है, वो यूज किया है तो √3 और √3 हमारे कैंसिल हो गए. सो साइड की वैल्यू आ गई 4√3. ये हमारा पहला काम हो गया है. हमें यूनिट नहीं पता तो यूनिट की जगह हम सिर्फ यूनिट लिख सकते हैं. हमें बोला था फाइंड इट्स पेरीमीटर करेक्ट टू 2 decimal places. नाउ पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 3 × a, दैट इज 3 × a की वैल्यू ये हमारे पास है 4√3. इसे क्या मान सकते हैं आंसर में? 12√3, जो भी यूनिट है हमारे पास, ये हमारा आंसर है. बट हमें बोला गया है करेक्ट टू 2 decimal places हमें आंसर फाइंड करना है. तो करेक्ट टू 2 decimal मीन्स इसकी वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी. रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.73, बट करेक्ट टू 2 places बोला है तो हमें एक प्लेस और लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, और जो भी आंसर आएगा उसे करेक्ट टू 2 place फाइंड करना पड़ेगा. सो 1732 × 12 सॉल्व कर रहे हैं, ये हो गया 64, ये 34, देन 1732. सो हमारा आंसर आ रहा है 4872 20784. 3 decimal places है तो यहाँ आ गया डेसिमल. तो ये अगर अप टू 3 बोल रहे हैं तब तो ये आंसर सही है, अप टू 3 decimal places निकाल लिया है. बट करेक्ट टू 2 बोला है, दैट मीन्स इसके हिसाब से हमें नेक्स्ट पे देखना है कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं, और 2 places में ही आंसर देना है. तो 20.78 यूनिट आंसर आ रहा है. अगर ये 4 की जगह 5 होता तो नंबर 1 इसमें एड हो जाता. तो करेक्ट टू 2 place decimal हमारे पास ये है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. क्वाड्रिलेटरल 4-sided figure है, तो ये एक हमारे पास फील्ड है इसमें. इन विच साइड ए बी इज इक्वल टू 18 meter, ये साइड हमारे पास गिवन है 18 meter. साइड ए डी इज 24 meter, ये साइड हमारे पास है 24 meter. बी सी इज 40, ये वाली साइड हमें गिवन है 40 meter. एंड डी सी इज 50 meter, ये साइड हमारे पास है 50 meter. फर्दर बोला गया है एंगल ए इज इक्वल टू 90 degree, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड. अगर ये एंगल 90 degree है तो हमसे बोला गया है कि हमें एरिया फाइंड करना है फील्ड का. सिंस ये क्वाड्रिलेटरल है, दैट मीन्स 4-sided figure है, बट बताया नहीं गया है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है. अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल का एरिया यूज करते, स्क्वायर होता तो स्क्वायर का, रोम्बस पैरेललोग्राम, बट हमें नहीं बताया है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा. क्वाड्रिलेटरल को ट्राइंगल में ब्रेक करते हैं इसे, और उन 2 triangles से एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करेंगे. यहां मैं लिख रही हूं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी या डी ए बी या बी ए डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी. दैट मीन्स इस पूरे का एरिया निकालने के लिए हमें इसका और इसका अलग अलग एरिया निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे. सो स्टार्ट कर रहे हैं फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी. ए बी डी हम देखें तो ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल है 90 degree वाला, हाफ बेस इंटू हाइट हम यूज कर सकते हैं. दैट मीन्स इसमें हेयर बेस की वैल्यू हमारे पास है 18 meter एंड हाइट की वैल्यू हमारे पास है 24 meter. सॉल्व करते हैं 2, 9 × 18, 9 × 24, 9 × 4 = 36, 3, 18 × 3 = 21, 216. यूनिट हमारे पास चल रही है मीटर, तो मीटर स्क्वायर. ये हमारी वैल्यू आ गई पहले एरिया की, विच इज 216 meter square. अब ये वाला ट्राइंगल है, इसके लिए हमें एरिया फाइंड करना है. इसे फाइंड करने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 90 डिग्री है नहीं हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते. मोर ओवर अगर इसे करने के लिए हम हेरोंस फॉर्मूला लगाएं
क्योंकि ये दो है इक्विलेटरल तो है नहीं, तो ये वाली साइड हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखना है मैं क्या कर रही हूँ एक एक्स्ट्रा पार्ट इसमें। ये जो ट्राइंगल है 90 डिग्री, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये इसमें हाइपोटेन्यूज है। अगर पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये साइड निकाल लू DB, तो क्या हो जाएगा, ये वाले ट्राइंगल की थर्ड साइड भी हमारे पास आ जाएगी। तो पाइथागोरस से क्या कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल टू, पी की जगह वैल्यू पुट कर रहे हैं 24 स्क्वायर, बी की जगह 18 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 18 का होता है 324, ऐड कर रहे हैं 6, 10, 7, 2, 10, 8 and 9, तो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू आई है 900। तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 900, दैट इज 30। दैट मीन्स हमने साइड डीबी फाइंड कर ली है जो हमारे पास आ गई है 30 सेंटीमीटर। अब इस वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम लगा सकते हैं हेरॉन फॉर्मूला। तो 30 मीटर आ गया है हमारे पास साइड डीबी। तो अब ट्राइंगल यूज कर रहे हैं डीसीबी। सबसे पहले इसमें एस की वैल्यू निकाल रहे हैं, 30 + 40 + 50, पेरीमीटर का हाफ होता है, दिस इज 120, तो 60 मीटर हमारे पास एस की वैल्यू आ गई है। एरिया का फॉर्मूला हेरॉन फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, एस एस माइनस फर्स्ट साइड, कोई भी ले सकते हैं, मैं 30 यूज कर रही हूं, एस माइनस सेकेंड साइड एंड एस माइनस थर्ड साइड, हेरॉन फॉर्मूला है। फर्दर सॉल्व करके 60 × 30 × 20 × 10 कितना हमारे पास आ रहा है, 160 का पेयर ये है 600 का स्क्वायर बन रहा है, तो एरिया दैट मीन्स हमारे पास आ रहा है 600, ऐसे बना है स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया 600 मीटर स्क्वायर। तो दो एरिया मैंने फाइंड कर लिए हैं। फाइनल आंसर जो हमें देना है उसमें हमें बताना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, अगर इसे मैं फर्स्ट मान लू और इसे सेकेंड मान लू, तो ये हमारे पास आया था 216 और ये आया है 600, दोनों को ऐड करते हैं 816 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:5:3। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें लेंथ का रेशियो गिवन है उसकी साइड्स की, ठीक है, तीन साइड होती है ना एबीसी, तो उनकी लेंथ का रेशियो है 4:5:3। तो लेट दी साइड्स बी, क्या करते हैं हमेशा रेशियो हटा के एक्स लगा देते हैं, 4x, 5x and 3x, ये हमने साइड्स ज़ूम कर रही है। फर्दर बोला है पेरीमीटर इज 96 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है विच इज 96 सेंटीमीटर और हमें बोला है फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। तीन अलग अलग साइड्स हैं, इसका मतलब हेरॉन फॉर्मूला यूज होगा, उसके लिए सेमी पेरीमीटर से ये होता है, सेमी पेरीमीटर यही लिख लेते हैं 96/2, दैट इज 48 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज 96, दैट मीन्स इन तीनों का सम जो होगा वो 96 के इक्वल होगा, वो मैं लिखती हूँ। नाउ वी हैव पी इज इक्वल्स टू 4x + 5x + 3x = 96, कितना हो रहा है 5 × 3 = 12x = 96, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 8 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो a, b और c की वैल्यू आ गई है 4 × 8 = 32 unit centimeter, b की वैल्यू 5 × 8 = 40 centimeter, c की वैल्यू 3 × 8 = 24 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया, समझ आया ये रेशियो क्यों यूज किया हुआ है, रेशियो में x यूज करके हमें पेरीमीटर के इक्वल्स फॉर्मूला यूज किया है और उससे साइड्स की पर्टिकुलर वैल्यूज निकाली है, अभी हमें सिर्फ साइड्स की रेशियो पता थी, अब हमें साइड्स की वैल्यू पता चल रही है। सो हियर वी हैव एस ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है 48 × 48 − 32, सारी साइड 48 में से माइनस हो जाएंगी, 48 − 24 कितना आ जाएगा, 48 एज इट इज, अंडर रूट चलता रहेगा, 48 − 32 = 16, 48 − 40 = 8 and 48 − 24 = 24, ब्रेक करते हैं, इसे मैं लिख रही हूं
2 इंटू 24, ठीक है, 24 24 पेयर, इसे 2 इंटू 8 लिख रही हूं, पेयरिंग हो जाएगी। तो अब हमारे पास स्क्वायर आया है 2 स्क्वायर 24 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर का, अंडर रूट वर्क कर रहा है, अंडर रूट और स्क्वायर एक साथ कैंसिल होते हैं, सो ये हो गया 2 इंटू 24 इंटू 8। सो 2 इंटू 24 इज 48, 48 इंटू 8 करते हैं 64, 6, 32, 38, आंसर इज 384 यूनिट सेंटीमीटर है, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल इज 13 सेंटीमीटर। आइसोसेलस ट्राइंगल इज अ ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो बोल रहे हैं जो दो साइड इक्वल है उनमें से एक 13 सेंटीमीटर है, अगर एक 13 सेंटीमीटर है देन ऑब्वियसली दूसरी भी 13 सेंटीमीटर होगी। फर्दर बोल रहे हैं इट्स पेरीमीटर इज 50 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है 50 सेंटीमीटर, तो हमें फाइंड करना है एरिया। नाउ एरिया ऑफ एन आइसोसेलस ट्राइंगल हमने नहीं पढ़ा है तो हमें इसमें हेरोंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले हमें ये थर्ड साइड चाहिए होगी, तो इसके लिए यूज कर रहे हैं पेरीमीटर जो गिवन है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज ए प्लस बी प्लस सी। इस स्पेशल ट्राइंगल में ए और बी की वैल्यू 13 है क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल है, सो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 13 प्लस सी विच इज एक्स, हमने यहाँ एक्स माना हुआ है सी को, ठीक है, अज्यूम जो भी करते हैं वो लिख देते हैं, लेट थर्ड साइड या सी इज इक्वल्स टू एक्स हम बोल सकते हैं। सो 50 इज इक्वल्स टू 26 प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 50 माइनस 26 दैट इज 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब फाइंड करते हैं एरिया, एरिया हेरोंस फॉर्मूले से कर रहे हैं विच इज सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी एंड सेमी पेरीमीटर माइनस सी। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पे हमारे पास 50 का हाफ आ रहा है 25, नो 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 अगेन एंड 25 माइनस 24, ये जो थर्ड साइड हमने अभी निकाली है इजी है, 25 ये दोनों सेम है तो दोनों के आंसर 12 आ रहे हैं एंड 25 माइनस 24 इज 1, तो 25 तो 5 का स्क्वायर होता ही है और साथ में ये 12 का स्क्वायर है, अंडर रूट, रूट एंड स्क्वायर हटके 5 इंटू 12 आ गया एंड 5 इंटू 12 इज 60, यूनिट कौन सी चल रही थी, सेंटीमीटर, सो एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 विच इज द ऑल्टीट्यूड एंड द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 6:5। ऑल्टीट्यूड एंड हाइट सेम होती है तो इसका और इसका हमें क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, हाइट रेशियो बेस इज इक्वल्स टू 6:5। सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लेट हाइट एक्स के हिसाब से एक्स की वैल्यूज में लिख लेते हैं बी 6x एंड बेस इक्वल्स टू 5x, ठीक है, जब भी रेशियो हो सबसे पहले एक्स यूज करके रेशियो हटा सकते हैं। फर्दर क्वेश्चन रीड करते हैं, इट्स कॉस्ट इज रूपी 49,57,200 एट द रेट ऑफ, कुछ रेट और कुछ कॉस्ट बता रखी है तो मैं रेट लिख रही हूं, रेट के हिसाब से कॉस्ट की वैल्यू बताएंगे, फिर रेट है 36,720 पर /m हेक्टर और बोला हुआ है कॉस्ट, कॉस्ट कितनी दी है, कॉस्ट इज इक्वल्स टू रूपी 49,57,200, तो ये हमारे पास कॉस्ट है, ये रेट है, वन हेक्टर की वैल्यू बता रखी है इन्होंने कि वन हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, हेक्टर यूज होता है एरिया के लिए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, ये इन्होंने साथ में दे रखा है। अब हमें बोला गया है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, यानी हमें इसकी साइड फाइंड करनी है। अब हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में ना हमारे पास एरिया है ना पैरामीटर है, तो ये एक्स को हम यूज नहीं कर सकते, अगर मैं डायरेक्ट बताऊं तो हमें क्या करना था, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, यही तो यूज होगा इसके एरिया के लिए, तो एरिया की वैल्यू हमें पता नहीं है, हाफ बेस की वैल्यू हम पुट कर सकते थे 5x इंटू हाइट 6x, तो 30 दैट मीन्स 15x स्क्वायर हमारे पास एरिया की वैल्यू आ रही है। अब अगर एरिया निकाल लें हम किसी तरह तो क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और x की वैल्यू हमें क्यों चाहिए, डायमेंशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब
अब ये जो दो चीजें दे रखी है रेट और कॉस्ट, इससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल अगर मैं बोलूं तो एक फॉर्मूला याद करना है, एरिया कभी भी फाइंड करना हो वो होता है कॉस्ट अपॉन रेट। नाउ एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है कॉस्ट अपॉन रेट। क्वेश्चन में कॉस्ट हमें दे रखी है 49,57,200 और रेट हमें दे रखा है 36,720 पर हेक्टर। दैट मींस ये जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे हेक्टर्स में आएगा, इसे सॉल्व करें पूरा तो हमारे पास आंसर आ रहा है 135 हेक्टर्स। सॉल्व करके देख लेना है। सो एरिया जो हमारे पास है इस ट्रायंगुलर फील्ड का वो है 135 हेक्टर्स, ठीक है। एंड 1 हेक्टर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है कन्वर्जन कैसे यूज करनी है। अगर 1 हेक्टर की वैल्यू 10,000 मीटर स्क्वायर है तो 135 हेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 साथ में मल्टीप्लाई किया इससे 0, 0 एंड 0, तो ये हमारे पास आ रहा है न्यू एरिया। अब जो एरिया है वो ट्रायंगुलर फील्ड का है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या होता है नॉर्मली, जिसमें राइट एंगल हो, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस हाइट एंड एरिया की वैल्यूज हम पुट करते हैं। सो 135,000 इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट, हमने यहां वैल्यू निकाली हुई है दैट इज 5x इंटू 6x। सॉल्व करते हैं, 135,000 इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की मैं वैल्यू डायरेक्टली लिख रही हूं 15 9 times 90,000, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 90,000, तो 90,000 जिसका स्क्वायर होता है 4 zeros है तो 2 zeros आएंगे और 9 होता है 3 का, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 300। अब एक्स की वैल्यू यहां पुट करते हैं हाइट और बेस की वैल्यू निकालने के लिए। So height is equals to 6x, which will be 6 into 3, that is 1800, साथ में मीटर चल रहा है, मीटर स्क्वायर में हम सॉल्व कर रहे हैं। एंड बेस इज इक्वल्स टू 5x, सो 5 into 3, विच इज 1500 meter। तो ये हमारा फाइनल आंसर है हाइट और बेस की वैल्यूज। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सबसे पहले क्या बोला है क्वेश्चन में, एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल है हमारे पास विद हाइपोटन्यूज 40 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन एज 40 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ द टू साइड्स, ये जो दो साइड्स बची हैं उनमें से एक की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। बेस भी ले सकते हैं और परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं, जो भी अपनी चॉइस से हम लेना चाहें। तो हमें बोला है हमें इस फिगर का एरिया फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, हमें दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ बेस की जगह तो मैं 24 यूज कर सकती हूँ बट हाइट की वैल्यू हमारे पास नहीं है, दैट मीन्स सबसे पहले हमें हाइट की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब हाइट की वैल्यू हमें दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है। क्या करते हैं हम ऐसे केस में हम हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पहले भी करी हुई है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड जो कि 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, एच इज 40 तो 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, पी इज परपेंडिकुलर, ये जो 90 डिग्री बना रहा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस बेस स्क्वायर, बेस इज 24। तो अब इसे सॉल्व करके लिखते हैं, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। नॉर्मल स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं बट मैं आइडेंटिटी थर्ड यूज कर रही हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास आ रहा है 40 माइनस 24 इज 16 इंटू 40 प्लस 24 इज 64। नो 16 इंटू 64 ये करके देख लेते हैं कितना आएगा,
6 into 4 is 24, 36, 38 and 64. So we have 4, 2, 6 and 1024. तो हमारे पास आ रहा है 1024, यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की वैल्यू आई है 1024, दिस इंप्लाइज पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 1024, 1024 स्क्वायर होता है 32 का, सो 32 सेंटीमीटर। ये एच की वैल्यू हमने निकाल ली है 32। अब सॉल्व करते हैं एरिया के लिए, 2 वन टाइम, 2 12 टाइम्स, सो 12 इंटू 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स 320 एंड 2 टाइम्स 64, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 384 यूनिट सेंटीमीटर। एरिया फाइंड कर रहे हैं इसलिए साथ में स्क्वायर, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 इज, यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर टू फाइंड द लेंथ एसी। तो हमें सबसे पहले एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ एसी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें दे रखा है ए बी सी ऐसे, ठीक है, ये बी है, ये ए है और ये सी है, ये हमें फाइंड करना है। पाइथागोरस लगा सकते हैं वापस, दिख रहा है हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो मैं लिख रही हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच की जगह एसी पुट करते हैं, एसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 7 स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, स्क्वायर लर्न करने हैं थोड़े। नाउ 9 प्लस 6 इज 15, 7 एंड 5 विल बी 12, तो ये हमारे पास आ रहा है 625 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो एसी स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब बोले एसी की वैल्यू, तो एसी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर हटते हैं उनके साथ 625, 25 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एसी की वैल्यू है पहला पार्ट हमारा, इट इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, हाफ बेस इंटू हाइट, वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ ऐसे बेस 24 है यहाँ पे और हाइट ऑलरेडी हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर, सो 2 वन टाइम, 2 12 टाइम्स, 7 इंटू 12 इज 84 यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने दो पार्ट कर लिए हैं, एसी फाइंड किया है फर्स्ट पार्ट में पाइथागोरस लगा के, एंड एरिया फाइंड किया है ट्राइंगल का सेकेंड पार्ट में डायरेक्ट एरिया का राइट एंगल वाला फॉर्मूला लगा के, हाफ बेस इंटू हाइट। मूविंग ऑन टू पार्ट थ्री, पार्ट थ्री में हमें फाइंड करनी है लेंथ ऑफ बी डी करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, इसकी लेंथ फाइंड करनी है एक डेसिमल प्लेस तक। तो हम बी डी फाइंड कर रहे हैं, अगर ध्यान से देखें बी डी क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, दैट मीन्स हाइट है। अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे में ले लू, ठीक है, क्या कर रहा है, मैंने एसी को बेस मान लिया है ऐसे और बी डी ऐसे करके इसके ऊपर हाइट फॉर्म कर रही है। मैंने बोला जब भी 90 का बन रहा होता है ना वो हाइट होती है और यही फॉर्मूला यूज होता है। तो मैं यहां लिख सकती हूँ एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, एरिया हमारे पास है 84 इज इक्वल टू हाफ, बेस हमारे पास है एसी, एसी मीन्स 25 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, हाइट हमारे पास है बी डी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो नाउ बी डी इज इक्वल टू 84 इंटू 2 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं और 25 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में आ जाएगा। सो नाउ वी हैव 84 इंटू 2 इज 168 अपॉन 25। अब इसे सॉल्व करके देखना है, अगर नॉर्मली हम करें डेसिमल्स बनाने के लिए क्या करते हैं 110,000 ऐसे लिख लेते हैं डिनोमिनेटर्स, तो अगर मैं इसे 4 से और सिर्फ 4 से कर दूं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ये तो बन जाएगा 100, डेसिमल लगाना इजी हो जाएगा ना। और इसे सॉल्व करके देखते हैं, 4 इंटू 8 इज 32, 3, 4 इंटू 6 इज 24, 3 27,
टू कैरी, 4 × 1 = 4 + 2 = 6, डेसिमल लगा लेते हैं 6.72 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ रहा है। बट बोला है करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, यानी हमें सॉल्व करना है सिर्फ इस प्लेस तक के लिए। करेक्ट करना मीन्स राउंड ऑफ करके देखना है कि इस वाली प्लेस पे कोई डिफरेंस आता है लास्ट प्लेस से या नहीं। तो हमें ये दिख रहा है 2 है, ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो प्लस 1 कर देते हैं, बट सिंस ये छोटा है तो राउंड ऑफ करेंगे 6.7 सेंटीमीटर, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अगर इसे डिवाइड करते तो भी आंसर हमारे पास यही आता।